नेशनलाइज बैंक को मर्ज किए जाने पर एक दिवसीय हड़ताल। इलाहाबाद बैंक व समस्त नेशनलाइज बैंक के कर्मचारी इलाहाबाद बैंक पर एकत्रित हुए और धरने के माध्यम से एक दिवसीय हड़ताल की आवाज को बुलंद की व जिला अधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को एक मांग पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि बैंक का मर्जर बंद करो, बैंकिंग सुधार बंद करो, एनपीए की वसूली शीघ्र करो, डिफॉल्टर रो की सूची जारी करो, बैंक बच्चों तो पर ब्याज दर बढ़ाएं, खर्चों के नाम पर ग्राहकों का शोषण बंद करो, बैंकों की भर्ती शीघ्र करो, वेतन समझौता शीघ्र करो, आउटसोर्सिंग बंद करो, रोजगार पर हमला बंद करो आदि इन सब मांगों को लेकर नेशनलाइज बैंक कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। यदि सब मांगों को नहीं माना गया तो बैंक कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः शासन प्रशासन व केंद्र सरकार की होगी। जी, किस मामले का आज हड़ताल बैंकों की? आज साथी हमारी हड़ताल, जो सरकार ने बैंकों के मर्जर का एजेंडा दिया है, जो हमारे 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बनाने का एजेंडा दिया है, तो आज जो हमारा प्राइम इशू, जो मेन इशू है कि बैंकों का मर्जर बंद किया जाए, बैंकों को मर्ज ना किया जाए, इस बात को लेकर आज हमारा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन ऑफ इंडिया बैफी और AIBA के दोनों संगठनों के सदस्य पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर एक दिवसीय हड़ताल पर है, जिसके अंदर जो हमारा प्राइम इशू है बैंकों का मर्जर, बैंकिंग सुधार बंद किए जाएं, एनपीए की वसूली के लिए सख्त कानून बनाया जाए, डिफाल्टरों की सूची जारी की जाए, जो बैंकों के अंदर बचत, जनता की बचत है उस पर ब्याज दर बढ़ाई जाए, जो बैंकों के अंदर खर्चे के नाम पर ग्राहकों का शोषण किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, बैंकों में भर्ती शीघ्र की जाए, बैंकों के अंदर जो वेतन समझौता हमारा पेंडिंग है उसको शीघ्र किया जाए, बैंकों में आउटसोर्सिंग बंद की जाए, बैंकों के अंदर जो रोजगार है उस पर हमला बंद किया जाए, बैंकों के अंदर भर्ती की जाए। इन इश्यूज को लेके आज हम जो है नेशनल पैमाने पर हमारे सभी साथी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन के और बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथी एक दिवसीय हड़ताल पर है। आगे के अंदर जो भी हमारा आगे का फैसला होगा, जो हमारी यूनियन फैसला करेगी, उस पर हम लोग साथियों कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।